नमस्कार जोहार, अभी मैं झारखंड के बोकारो जिला के जरीडीह प्रखंड के तांतरी दक्षिणी पंचायत के तुपकाडी हाई स्कूल में मौजूद हूँ। सरकार आपके द्वार हेमंत सरकार के द्वारा अलग अलग जगहों पर लगाई जा रही है और आज ये प्लस टू उच्च विद्यालय तुपकाडी में लगाया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हेमंत सरकार की LED प्रचार, LED जो सरकार आपके द्वार में जो योजना लाई गई है, प्रचार भी ग्रीन स्क्रीन के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, कई जेरोक्स मशीन लगे हुए हैं और जेरोक्स मशीन में कई लोग आ रहे हैं अपने कितने सारे डॉक्यूमेंट से जेरोक्स कराकर। कैमरामैन को कहेंगे चारों तरफ दिखा दीजिए कि किस तरह से सरकार आपके द्वार का अलग अलग जगह काउंटर लगा है। इन काउंटरों में सब लोग फोन जमा कर रहे हैं कि इस बार मुझे बकरी पालन मिले, मुझे अबुआ आवास मिले, मुझे मैया सम्मान योजना मिले। इस तरह की हेमंत सोरेन की जितने भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लाभ लेने के लिए ग्रामीण पहुंचे हैं। सरकार आपके द्वार कई बार लगा चुकी गई है, इस बार चुनाव सामने है और चुनाव के सामने भी लोग फिर से आ रहे हैं और फॉर्म जमा कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सैकड़ों हजारों फॉर्म जमा हो रहे हैं पूरे पंचायत के लोग में, अलग अलग पंचायतों में, लेकिन काम अभी तक जीरो दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी लोग फॉर्म जमा दिए थे, 200-250 रुपया का लोग फॉर्म का जेरोक्स करवाते हैं, फोटो डाल के जमा करते हैं। दिन भर पसीने में बच्चे लेके, परिवार लेके जो उम्र बढ़ते हैं, एक मेले की तरह भीड़ लगती है। आज जानने का प्रयास करते हैं कि लाभुक लोग देख सकते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति पर, गर्मी में परेशान है लोग, फॉर्म लेकर डटे हुए हैं कि इस बार अगर हम आए हैं सरकार आपके द्वार में तो सरकार की योजना की लाभ मिल जाए। जानते हैं इनसे कहाँ से आए हैं, की नाम मिलो? सुधीर दिगार। की क्या फॉर्म भरे आएला? विकलांग के, आँख का भी कमजोर हो, कान का भी कमजोर हो। विकलांग के सर्टिफिकेट बन लो? ना बनो। की कहो? बनबे ना करो कहो। आज के अहले आज दिन भर कखन से आएला? हाँ दिन भर लगिए गलो बचा के। दिन भर लगिए गलो तो कि कुछ लाग रहा लो कि विकलांग सर्टिफिकेट मिल तो और पेंशन मिल तो? कोशिश तो करो यार, मिलता ना नाम तो सटा बटा। की फॉर्म लेके आएला? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता सब जेरोक्स करेला? हाँ। कितना खर्चा जेरोक्स में भी तो जन लेटर में जेरोक्स ही रहा लो, पैसा कौड़ी तो ढेर लग रहा था। हाँ अल्लाह कम से कम 10 टका करके लग रहा था कि कैसे, मतलब कि लग रहा कि तोनी के कुछ फायदा यहाँ से मिलते? फायदा तो मिले के चाहिए, आप देखे की करो सरकार है। एकर से पहले भी सरकार आपके द्वार लगवा लल कुछ काम भे लो तखन? ना तखन ना भर लल। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं ये, इनसे जानने का प्रयास करते हैं सरकार आपके द्वार कितना कारगर हो रहा है, क्योंकि पूरे पंचायत के प्रत्येक घर के लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग लोग सब लोग पहुंच रहे हैं। कितना कारगर, जिस तरह से LED में आप देख रहे हैं कि सरकार अपनी योजनाएं को वहां पे दिखा रही है कि हमने इतनी योजनाएं 5 साल में लाए हैं लोगों के लिए, ये योजनाएँ क्या धरातल में आ रही है? अभी फिलहाल नहीं आ रही है, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हेमंत सोरेन ने कह रहे हैं कि इस तरह का हमारी योजना है, आप फॉर्म भरिए और योजना का लाभ भी जितने काउंटर लगे हैं। जैसे अभी 1,000 रुपया जो दे रहे हैं हेमंत सोरेन जी, तो फिलहाल तो सबके अकाउंट में पहुंच रहा है। दूसरा महीना का जो अभी फिलहाल किसी के यहाँ पहुंचा हुआ, किसी के यहाँ नहीं पहुंचा हुआ है। पशुपालन, कृषि योजना, इसके बाद ही बहुत सारे इस तरह का योजना है, साथ ही साथ मैया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, अबू आवास, इस तरह का कई योजनाएं हैं। बहुत ऐसा है कि देखिए कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। इस गांव के लोग, इस पंचायत के लोगों को मिल रही है? नहीं मिल रही है। इससे पहले भी योजना आई थी, कितने लाभ मिले? लगभग वही रुपया में 75 पैसा या 50 पैसा, उस तरह का विश्वास देके और कुछ नहीं आया। ये फॉर्म भी खरीदा जा रहा है क्या? हाँ यहाँ से खरीदा जा रहा है। ये फॉर्म वहाँ से नहीं मिल रहा है सरकार आपके द्वारा? नहीं, सरकार द्वारा से नहीं मिल रहा है, जबकि वहाँ 2 रुपया में मिलता है, यहाँ 20 रुपया लेता है फॉर्म का 20 रुपया लेता है। जी सर, क्यों इतना रेट बढ़ गया है? ये तो मनमानी कर रहा है यहाँ के लोग, मतलब लोग जान रहे हैं कि इन लोगों को फॉर्म भरना है, इसलिए रेट बढ़ गया। बस वही बात। तो यहाँ अमीर लोग, अच्छे पैसे वाले, या फिर गरीब लोग फॉर्म भरने आ रहे हैं? गरीब लोग। ये आप देख रहे हैं कि क्या, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म बिछाया गया है और फॉर्म यहाँ पे लोग भर रहे हैं। फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन फॉर्म में आवेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
आवेदन होने के बाद काम होता है कि नहीं होता है, आप देख सकते हैं कि इतनी सारी योजनाएं सरकार जो लाई है, आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं कितने कारगर साबित होती है। हेमंत सोरेन जी इतने जो दिखा रहे हैं LED में कि मैंने इतना सारा लाया हूँ, आप देख सकते हैं, और उसी का देख सकते हैं कई लोग आए हैं यहाँ फॉर्म वितरण कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो आए हैं ग्रामीण, इन लोगों को फॉर्म दे रहे हैं। ये शुल्क वाइज है, ये लोग अपने से निकाल कर आप लोग कर रहे हैं ना? जी सर, अपने से निकाल के कर रहे हैं, फॉर्म बेच रहे हैं। हाँ, फॉर्म बेच रहे। और ये सरकार आपके द्वारा ये फॉर्म नहीं मिल रहा है? नहीं, फॉर्म नहीं मिल रहा है आपके, मिल रहा होगा उतना पता नहीं किया सर। लेकिन आप लोग यहाँ फॉर्म दे रहे हैं? हाँ, हम लोग फॉर्म दे रहे हैं। लाइट की भी व्यवस्था नहीं है? हाँ, लाइट की व्यवस्था है सर। जनरेटर बहुत रेट है, इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं, रेट नहीं है रे भाई, सब लाइन की व्यवस्था भी है, सब कुछ है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से इतने सारे फॉर्म है, इन फॉर्म को आप देख सकते हैं किस तरह से लोग भर रहे हैं। सब लोग भर रहे हैं कि इस बार मेरी योजना का लाभ मिले। और आप जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों से कि इतने सारे फॉर्म भरा जा रहा है, ये फॉर्म कितने कारगर साबित होते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि कौन से फॉर्म ये लोग भर रहे हैं और कब से आए हैं सरकार आपके द्वार में। और आप कौन सा फॉर्म भर रहे हैं? हम अपना जॉब कार्ड का फॉर्म भर रहे हैं। जॉब कार्ड का, यानी लेबर कार्ड। हाँ, मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं। हाँ, गरीब लोग हैं। अच्छा, इससे पहले भी सरकार आपके द्वार की योजना पूरा लगाया गया था? हाँ, लगा हुआ था अगले साल। अच्छा, ये फॉर्म खरीदे हैं कि मिला है वहाँ से? नहीं नहीं, खरीदे हुए। कितना रुपया लगा? 10 रुपया। घर से लगभग कितने लोग आए हैं अपना घर काम छोड़ के? हम लोग का घर से लगभग वही 30-40 आदमी आए हुए। 30-40 आदमी? पूरा परिवार? पूरा परिवार। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लाई है, पूरा काउंटर का काउंटर खुला खुला हुआ है, लेकिन जो जरूरत है वही भर रहे अभी। जरूरत आप गरीब भर रहे हैं तो बहुत सारे जरूरत, आप कृषि योजना ले सकते हैं, पशुपालन योजना ले सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मिलता है आवास? हाँ, मिला था, लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पाए। आया था अबू आवास? आया था अबू आवास ने, गाय शेड आया था। गाय शेड आया था? शेड नहीं आया था, खाली गाय आया था। गाय आया था क्या? आज भर रहे हैं अबू आवास वाला फार्म। इससे पहले नहीं भरा था? नहीं भरे थे। सरकार आपके द्वार में? नहीं थे, नहीं नहीं भरे हैं। पेंशन मिल रहा है? हाँ, यही वाला 2 महीना से मिल रहा है अभी, माया योजना वाला। पैसा आया? हाँ आया, आया। तो आप क्या कह रहे हैं? दो आदमी क्या बोल रहे हैं? आपके घर परिवार के लोगों को मिला है कि नहीं? मिला है, किसी किसी का मिला है, किसी किसी का नहीं मिला है। इनको मिला है? नहीं, इनको नहीं मिला है। इनको मिला है, मम्मी जी को मिला है, मेरे वाइफ को नहीं मिला है। क्यों, इनका फॉर्म नहीं भरा गया था? क्या नाम है? भरा गया था सारा चीज। संजना कुमारी। आपका मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया आई है? नहीं, मेरा नहीं आया है। फॉर्म भरे थे? हाँ, भरे थे। साथ में जमा भी हुआ, लेकिन एक आदमी का आया, एक आदमी का नहीं। मेरा मम्मी का आया और मेरा नहीं आया। आपने सही से फॉर्म भरा? हाँ, सब कुछ। फिर आप किस फॉर्म को भरने आए? वही वाला फिर से हम भरने आए। इससे पहले भी बहुत सारा फॉर्म भराया गया था, कई लोग अभी आ रहे हैं और फॉर्म भरा जा रहा है। अभी इंटरनेट का व्यवस्था बंद कर दिया गया है, आपको पता होगा, तो ऑनलाइन भी नहीं हो रहा होगा। तो क्या लग रहा है कि फॉर्म फिर से इतना मेहनत करके घर पर पसीने में तरबर होके पैसे लगाकर फॉर्म भर रहे हैं? जो प्रक्रिया है वो तो हम लोग करेंगे, बाकी आगे का जहाँ तक प्रोसेस है वो आगे करें या ना करें, हम लोग एक उम्मीद की वजह से ही आए हैं यहाँ पे कि अगर किसी तरह से हो जाता है तो हम ही लोग के लिए फ़ायदा है। बहुत सारे दस्तावेज भी लेके आए हैं? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है भरने के लिए। आप अभी क्या करते हैं, इसे कैसे रोजी रोजगार चलता है? हम तो अभी खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं। लिए कुछ बहुत सारी योजना है कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, तो कुछ दे रही है कि नहीं उधर से, या फिर पेंडिंग बहुत सारा प्रोसेस में फंस रहा है? मिल तो अभी सब कुछ रहा है, लेकिन ये कब तक प्रोसेस मिलेगा इसका कोई गारंटी वगैरह नहीं है ना। क्या लग रहा है कि अगर फॉर्म भरिएगा तो मिल जाएगा? उम्मीद है, पूरा क्लियरली नहीं बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इससे पहले भी 2-3 बार ट्राई किए हैं, अभी तक मिला नहीं है। नहीं मिला? क्या क्या ट्राई किए थे? अब वो पहले तो इंदिरा आवास वगैरह का ट्राई किए थे, घर एक पक्का मकान, एक पक्का मकान वगैरह। अभी हम लोग रह रहे हैं तो मिट्टी का घर में रह रहे, मिट्टी के घर में रहते हैं, अभी भी मिट्टी का घर है। फॉर्म भरने के बाद भी नहीं मिल रहा? नहीं, 2-3 बार। तो यहाँ का मुखिया का भी थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा निरीक्षण करना। ऑनलाइन मुखिया ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट होना चाहिए था ना? अरे वो तो ठीक है, सरकार जब आ रही है आपके द्वार में, हाँ, तो जितने नीचे स्तर के लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आपका फॉर्म रिपोर्ट हम लोग एक बार पहले दिए भी हैं, मुखिया सबको भी दिए हैं। नहीं, ऑनलाइन यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ, अभी तो ऑनलाइन कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, जमा करेंगे उसके बाद। जिसका जिसका नहीं आया है तो आएगा कि नहीं आएगा?
वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फॉर्म, तो आप लोग भर रहे हैं? तो हम लोग का मिल रहा है भाई, बाकी आदमी का तो पहले फॉर्म अबुआ आवास और क्या क्या फॉर्म भरे थे? पहले इंदिरा आवास का ही फॉर्म भरे थे, तो अभी तक मिला नहीं है, फिर से अभी भर रहे हैं। हाँ, इस बार फॉर्म कौन सा है? वही अबुआ आवास का है। फिर से ये लोग अबुआ आवास का फॉर्म भर रहे हैं। सरकार आपके द्वारा, हेमंत सोरेन द्वारा लगाया गया था लेकिन मिला नहीं, फिर इस बार अब इन लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से मेहनत कर कर, सास पुतौ बेटा सब पूरा परिवार आए हुए हैं, इस बार फिर से मिले। साथ ही साथ इन महिलाओं को अभी तक मैया सम्मान योजना भी नहीं मिली, लेकिन देख सकते हैं लोग आशा बनाए के रखते हैं कि सरकार योजना लाई है, तो हम लोग जाते हैं और देखते हैं और भी पदाधिकारी लोग से बातचीत करते हैं कि इस बार कारगर साबित होगा कि नहीं, क्योंकि चुनाव सामने है। जोहार।